Good morning students, I hope you all are fit and fine. So students, today I am going to discuss some new words, their pronunciation and their Hindi meaning. Okay, so students, हम लोगों ने अभी तक 7 chapters read किए, explanation हुआ और कुछ new words भी देखे. Yes, आज मैं आप लोगों को अभी तक के जितने भी new words है, उन new words को कैसे रीड करेंगे तो क्या प्रोनंसिएशन आएगा और उसका हिंदी मीनिंग क्या है, वो आज मैं आपको इस वीडियो के फॉर्म में एक्सप्लेन करूँगी. सेकेंड थिंग स्टूडेंट्स, आपको जितने भी न्यू वर्ड्स मैं अभी हिंदी में एक्सप्लेन करूँगी, हिंदी मीनिंग और प्रोनंसिएशन बताऊँगी, ये आपको अपनी CW कॉपी एज वेल एज अपनी HW कॉपी में भी नोट डाउन करना रहेगा. ओके, सो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर फर्स्ट, बैड इन समर. स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर फर्स्ट हमने रीड किया था, उसमें हम लोगों ने 3 न्यू वर्ड्स पढ़े थे. ओके, फर्स्ट है क्वाइट. इस वर्ड को क्या रीड करते हैं? क्वाइट. इसका मीनिंग क्या होता है? काफ़ी. सेकेंड, होपिंग. होपिंग मतलब कुदकना, ठीक है, या कूदना. पास्ट, पास्ट मतलब अतीत. और स्टूडेंट, कई बार पास्ट इस फॉर्म में भी यूज़ किया जाता है कि कोई आपके पास से गुजरा है. ओके, तो वो सेंटेंस पर डिपेंड करता है. यहाँ पर पास्ट मीनिंग अतीत. नाउ चैप्टर नंबर सेकेंड, द आंट एंड द ग्रास होपर. इस चैप्टर में हमने कुछ न्यू वर्ड्स देखे थे. ओके, फर्स्ट इज ट्रिपिंग, जिसका मीनिंग होता है चहचहाहट. सेकेंड, मिर्ली, इसका मतलब होता है खुशी से. थर्ड, चैट. चैट मतलब बातचीत. नेक्स्ट, प्लेंटी, जिसका मीनिंग क्या होता है हिंदी मीनिंग? बहुत सारे. नेक्स्ट है बैग्ड. क्या रीड करेंगे? बैग्ड. और बैग्ड को का हिंदी मीनिंग क्या होता है? याचना. ओके, और जैसे कोई बोलता है ना भीख मांगना, तो उसके लिए भी क्या वर्ड यूज़ होता है? बैग्ड. ओके स्टूडेंट्स, नाउ चैप्टर नंबर 3, मदर टेरेसा. इस चैप्टर में भी हमने कुछ न्यू वर्ड्स देखे थे. यस, अब हम इन न्यू वर्ड्स को रीड करेंगे, इसका प्रोनंसिएशन क्या है वो यहाँ लिखा है और इसी का हिंदी मीनिंग हम समझेंगे. फर्स्ट है प्लम्प. क्या है? प्लम्प. प्लम्प मीनिंग मोटा. सेकेंड, चीयरफुल. चीयरफुल मतलब हसमुख. रिकॉल्ड. रिकॉल्ड मतलब क्या होता है बच्चों? को याद किया, ठीक है, किसी चीज़ को आपने फिर से याद किया उसके लिए क्या बोलेंगे? रिकॉल्ड. यूनाइटेड. यूनाइटेड मतलब संयुक्त, एकीकृत. नन. नन मतलब तपस्विनी या जो लेडी है जिसने रिलीजियस को फॉलो करते हुए अपने घर वगैरह को छोड़ दिया है, वो क्या कहलाएंगी? तपस्विनी नन. नेक्स्ट है एलिंग, इसका मतलब क्या होता है? बीमार. ओके स्टूडेंट्स, तो अभी हमने चैप्टर 1, 2, 3 के न्यू वर्ड्स देखे और उनका मीनिंग समझा. आप लोगों को चैप्टर 1 to 7 जितने भी न्यू वर्ड्स के मीनिंग्स मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किए हैं और मैं आगे एक्सप्लेन करूँगी, वो आपको चैप्टर 7 कंप्लीट होने के बाद अपनी CW कॉपी एज वेल एज अपनी HW कॉपी में लिखना रहेंगे, ठीक है, और आप इन वर्ड्स को याद भी करेंगे. ओके, तो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 4 में हम रीड किया था हमने सैली एंड बंटो. इसमें न्यू वर्ड्स थे अडॉर्ड, जिसका मीनिंग था बहुत ही पसंदीदा. सेकंड था क्रॉल, मीनिंग घिसटना. क्या होता है? घिसटना, रेंगना. ओके, क्रॉल. अनॉइड मतलब नाराज हो. वैगिंग मतलब हिलाना या डुलाना. जैसे हमने रीड किया था, जो डॉग था वो क्या कर रहा था? वैगिंग कर रहा था, अपनी जो टेल थी उसको क्या कर रहा था? वैगिंग, हिला डुला रहा था, ठीक है. चैप्टर नंबर 5 हमने रीड किया था लिटिल थिंग्स. यस, इसके न्यू वर्ड्स ये हैं. फर्स्ट है ग्रेन्स.
इसका मीनिंग क्या होता है बच्चों? अनाज. माइटी मीनिंग शक्तिमान. और डीड्स, डीड्स क्या होते हैं? कर्म या कर्मो, यहाँ पर डीड्स है तो कर्मो हो जाएगा, ठीक है. डीड मतलब काम. नाउ चैप्टर नंबर 6, द अगली डकलिंग. इसमें हमने कुछ न्यू वर्ड्स देखे थे जो इस प्रकार है. फर्स्ट है टीज्ड, को छेड़ा या छेड़ना. टीस वर्ड यूज होता है छेड़ने के लिए, ठीक है. सेकंड है वैडल्ड, मतलब बतख जैसी चाल, ठीक है. नेक्स्ट चैप्टर है अ ट्रिप टू द जू. इस चैप्टर में हमने कुछ न्यू वर्ड्स देखे थे. सो फर्स्ट वन इज अकम्पनीड. अकम्पनीड क्या रीड करेंगे? अकम्पनीड, इसका मीनिंग क्या होता है? साथ. नेक्स्ट है डेस्टिनेशन. डेस्टिनेशन मतलब स्थान. नेक्स्ट है स्टैरिंग. स्टैरिंग मतलब घूर या घूरना. क्या होगा? घूरना. नेक्स्ट है स्कॉल्डेड. स्कॉल्डेड मतलब डांटा. स्कॉल्ड होता तो मतलब डांटना, और स्कॉल्डेड डांटा. नेक्स्ट है इंडिड. इंडिड मतलब वास्तव में, सच में, ठीक है बच्चों. सो स्टूडेंट्स, आज हमने चैप्टर फर्स्ट से लेकर चैप्टर 7 तक के जितने भी न्यू वर्ड्स हम लोगों ने अपनी CW कॉपी में लिखे थे और चैप्टर में रीड किए थे, आज हमने उन सभी वर्ड का प्रॉपर प्रोनंसिएशन और हिंदी मीनिंग लिख जाना. अब हम नेक्स्ट चैप्टर के टाइम पर, मैं आपको जब बुक एक्सरसाइज सॉल्व कराऊंगी तभी मैं आपको उसके वर्ड मीनिंग सॉल्व करा दूंगी. सो स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही. आप लोगों को ये वर्ड मीनिंग पक्के याद करने हैं, अपनी CW कॉपी में लिखने हैं, प्लस HW कॉपी में भी लिखने हैं. ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको अभी भी किसी वर्ड के रिगार्डिंग कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. ओके बच्चों, बाय बाय, टेक केयर.